बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चों, वेलकम टू एमडीकैट। एमडीकैट में फिज़िक्स औखी होती है, मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अप्लाइड फिज़िक्स होती है, अब तक आपने जितने फार्मूले पढ़े उन तमाम फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है इन द प्रॉब्लम। 60-70% इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपकी कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए, आपको टेबल आने चाहिए अच्छे अच्छे सेकंड, आपको तमाम जितने भी फार्मूले हैं फिज़िक्स में उन सब पे अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि यही फार्मूले आपने अप्लाई करने होते हैं। आपका सिलेबस हम आपको सेंड कर देंगे। जो यूनिट वन है, चैप्टर वन है, उसको हम यूनिट वन कहते हैं। यूनिट वन में जो टॉपिक इन्वॉल्व हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनमें बेस यूनिट है, ड्राइव यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ऐसे यूनिट कब डेवलप हुआ और एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ का टॉपिक है, एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसको आप प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी कहते हैं। लास्ट टॉपिक है असेसमेंट इन द फाइनल रिजल्ट। जब आप कैलकुलेशन कर लें तो फाइनल रिजल्ट में असेसमेंट कैसे करते हैं, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, पावर में या टाइम पीरियड में। तो इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे, और नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर का टेस्ट भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है, और नेचर में दो चीज़ें होती हैं, मास और एनर्जी। हम कहते हैं फिज़िक्स इस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एनर्जी विद डील विद स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मास और एनर्जी क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी ब्रांचेज हैं। मैकेनिक्स है, साउंड है, अकोस्टिक्स जिसे आप कहते हैं, लाइट है, ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स है, क्वांटम फिज़िक्स है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक है, फ्लूइड डायनामिक है, सुपर फ्लूइडिटी है। ये क्या होती हैं? मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक कौन सी ब्रांच है? जिसमें ऐसे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को डिस्कस किया जाता है, ऐसे फ्लूइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स हैं, जैसे प्लाज्मा है, इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड मेटल है, ऐसे फ्लूइड जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स हों। हाइड्रोडायनामिक कौन सी ब्रांच है? हाइड्रोडायनामिक वो ब्रांच है जिसमें उस फोर्स को डील किया जाता है जो किसी सॉलिड किसी मेटल पे लगती है जब वो फ्लूइड में फ्लो करता है। मसलन एरोप्लेन मूव कर रहे हवा में, हवा जितनी ड्रैग फोर्स उस एरोप्लेन पे एग्जर्ट करेगी उसको पढ़ने के लिए हम कौन सी फिजिक्स डील करते हैं? हाइड्रोडायनामिक। सुपर फ्लूइडिटी है, सुपर फ्लूइडिटी ऐसे फ्लूइड की स्टडी है जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, फ्लूइड विद ज़ीरो विस्कोसिटी, उन फ्लूइड की स्टडी को सुपर फ्लूइडिटी कहते हैं। कुछ इसके इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं। फिज़िक्स हर सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। बायो में जो फिज़िक्स अप्लाई होगी उसको बायो फिज़िक्स कहेंगे, केमिकल फिज़िक्स है, इंजीनियरिंग फिज़िक्स है, मेडिकल फिज़िक्स है, फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक है। तो फिज़िक्स की एप्लीकेशन आपको हर फील्ड में नज़र आती है। तो फिज़िक्स की वो एप्लीकेशन जो डिफरेंट डिसिप्लिन में नज़र है वो इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज बन जाते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स कौन सी है? पार्टिकल फिज़िक्स में हम एलिमेंट्री पार्टिकल को स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेरियंस म्यूऑन, जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनकी स्टडी को हम पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। और रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स कौन सी है? रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स
जब बॉडीज हाई स्पीड से मूव कर रही हैं रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट, हाई स्पीड बॉडीज जिनकी स्पीड कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के, उनकी स्टडी को रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये तो आप पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, इसको देख लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? फिजिक्स की सारी फाउंडेशन, फिजिक्स की सारी बुनियाद फिजिकल क्वांटिटीज पे खड़ी है, और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक रिलेशन फिजिक्स के लॉज बन जाते हैं। जितनी भी क्वांटिटीज हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी के सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके आगे फिर कैटेगरीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ हों, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, मगर कलेक्टिवली सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिक्स की फाउंडेशन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉर्मुलेटेड, इन्हीं की शक्ल में फिजिक्स के लॉज बनते हैं। जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में ताल्लुक है, न्यूटन लॉ बन गया। वॉल्यूम इनवर्सिटी टू प्रेशर, ये भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन है, बॉयल लॉ बन गया। फोर्स डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट, हुक्स लॉ बन गया। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक होते हैं, रिलेशन होते हैं, जो फिजिक्स के लॉज बनाते हैं। दो किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी डेफिनेशन और फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करे, जिनकी डेफिनेशन का डिपेंड और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर हो, उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जबकि बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी डेफिनेशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, जिनकी डेफिनेशन अपने तौर पर फिक्स है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उन्हें हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। और बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए दो स्टेप चाहिए, किसी भी बेस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो स्टेप जरूरी होते हैं। फर्स्ट है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और सेकंड है एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप करना, टू एस्टैब्लिश ए प्रोसीजर टू कंपेयर कैलकुलेटेड वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप करें, टू एस्टैब्लिश टू कंपेयर कैलकुलेटेड वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। और जो स्टैंडर्ड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? आइडियल स्टैंडर्ड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्ट है इट शुड बी इनवेरिएबल, एंड सेकंड इज इट शुड बी असेसिबल। Accessible and invariable, तो ये मैंने लिखा इसलिए है कि MCQ में आता है। मेजरमेंट के लिए दो प्रोसीजर, दो तरीके हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और एस्टैब्लिशमेंट ए प्रोसीजर विच कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। और स्टैंडर्ड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इट शुड बी असेसिबल
एंड इट शुड बी इनवेरिएबल। इसको आपने याद करना है, ये अक्सर एमसीक्यू में बातें आती हैं। सो बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हुज डेफिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनकी डेफिनेशन और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे वो बेस क्वांटिटीज हैं। देयर आर ओनली सेवन बेस क्वांटिटीज, सेवन बेस क्वांटिटीज हैं। इनमें मास है जिसका यूनिट किलोग्राम होता है और जिसका सैंबल केजी है, लेंथ है जिसका यूनिट मीटर होता है, सैंबल उसका एम है, टाइम है जिसका यूनिट सेकंड होता है और एस उसका सैंबल है, इसका इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर इसका यूनिट है, ए से शो करेंगे। इसके अलावा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, जिसका यूनिट केल्विन है, सिंबल के होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। इसका कैंडेला यूनिट है, सी डी से शो करेंगे। एंड फाइनल इज दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट्स यूनिट इज मोल, सिंबल इज एम ओ एल। सो देयर आर ओनली सेवन बेस क्वांटिटीज, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी दीज आर ऑल डिराइव्ड। तो ये फिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन अपने तौर पर फिक्स है, इसकी मेजरमेंट का एक फिक्स तरीका होगा, इसकी डेफिनेशन फिक्स होगी। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड हैं। मसलन वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। गोया दो बेस क्वांटिटीज से मिलकर एक क्वांटिटी बनी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी दो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, लेंथ और टाइम से। फोर्स है एम ए, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसमें तीन चीज़ें हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो तीन बेस क्वांटिटी मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना रही है। एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, एम मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस मीटर। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दैट इज दीज आर ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज, इन सबको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो जिनकी डेफिनेशन अपने तौर पे फिक्स है ये सेवन है, इन्हें मिक्स करके हम बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। एक तीसरी चीज भी है जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन प्लेन एंगल है, टू डायमेंशनल है, जबकि जो स्टेरेडियन है ये सॉलिड एंगल है और थ्री डायमेंशनल है। प्लेन एंगल टू डायमेंशनल इज द रेडियन, थ्री डायमेंशनल एंड सॉलिड एंगल इज द स्टेरेडियन। एक सर्कल है, बॉडी मूव कर रही है सर्कल में,
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ये सेंटर है, बॉडी ने ए से बी तक मूव किया और सर्कल का रेडियस आर के बराबर है। ये ए बी लेंथ, इसे हम आर्क कहते हैं, ये आर्क ए बी है, ये सर्कल का रेडियस है। अब बनने वाला एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। डेफिनेशन के मुताबिक ये 1 रेडियन कब होगा? ये एंगल जो कि सर्कल के सेंटर में बन रहा है, ये बनने वाला एंगल 2 डायमेंशनल है, क्योंकि सर्कल एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, और इसके सेंटर में बनने वाला एंगल 1 रेडियन तब होता है व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जब आर्क ए बी बराबर हो सर्कल के रेडियस के, तब जो एंगल बनेगा उसे हम रेडियन कहेंगे। अगर ये आर्क लेंथ एस के बराबर है, तो जब एस और आर आपस में बराबर होंगे, जब इनकी रेशियो 1 होगी, तो उसे 1 रेडियन कहेंगे। गोया इनकी रेशियो एंगल होती है, एस ओवर आर थीटा होता है। और ये थीटा वेरिएटर कब होगा? व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सवाल ये है कि सर्कल में कितनी तादाद में रेडियन होंगे, हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन ए सर्कल। अब एक आर के बराबर अगर लेंथ हो, ये एस अगर आर के बराबर हो, तो बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। इसी तरह देखना पड़ेगा कि पूरे सर्कमफेरेंस में कुल कितनी तादाद में आर हैं। सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है? सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2πr होती है। गोया हमें ये बताया गया कि कितनी तादाद में आर होते हैं एक सर्कल में, कितने आर होते हैं? 2π। जितने आर होंगे उतने रेडियन बनेंगे, सो नंबर ऑफ रेडियन इन ए सर्कल आर 2π रेडियन। तो टोटल जो रेडियन की तादाद किसी सर्कल में होती है वो 2π रेडियन होती है, और डिग्री कितने होते हैं? 360। गोया 2π रेडियन बराबर होगा 360 डिग्री के, और पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। एक डिग्री किसके बराबर होगा? अगर 1 डिग्री की वैल्यू मालूम करें तो ये पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। यहाँ पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करेंगे, तो 1 डिग्री में इतनी तादाद में रेडियन होते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेरेडियन? स्टेरेडियन सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल जैसे स्फीयर है, स्फीयर 3 डायमेंशनल प्लेन है, जस्ट लाइक ए फुटबॉल, ये फुटबॉल है, इट इज ए 3 डायमेंशनल स्फीयर, इट इज जस्ट लाइक ए फुटबॉल, ये फुटबॉल का सेंटर है। आपने देखा होगा फुटबॉल की अपर सरफेस पर कुछ सिलाई की होती, टुकड़े बने होते हैं, ऐसे ही मैंने एक टुकड़ा ले लिया उसकी सरफेस का, ये उसकी सरफेस के टुकड़े बने बहुत से, उसकी सरफेस का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ये टुकड़ा जो कोन की शक्ल में एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर के साथ, ये स्टेरेडियन होता है, ये सॉलिड एंगल होता है। और ये 1 स्टेरेडियन कब होगा? दिस एंगल इज 1 स्टेरेडियन इफ एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। वो टुकड़ा जो स्फीयर के सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, इस एंगल की वैल्यू 1 स्टेरेडियन कब होगी? जब ये सरफेस एरिया, ये टुकड़ा, इसका एरिया, अगर ये स्फीयर का रेडियस आर है, अगर सरफेस एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी 1 स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन एंगल होगा अगर एरिया ऑफ सरफेस आर स्क्वायर हो। देखना पड़ेगा कुल कितनी तादाद में स्टेरेडियन होंगे किस स्फीयर में। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर किसकी इक्वल होता है? इट इज 4πr² टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr². अगर r² एरिया है, अगर एरिया r² है,
तो बनने वाला एंगल क्या होगा, 1 स्टेरेडियन। देखना पड़ेगा सरफेस में कितनी तादाद में आर स्क्वायर हैं, तो कितने तादाद में आर स्क्वायर हैं, 4π। हर आर स्क्वायर 1 स्टेरेडियन बनता है, सो नंबर ऑफ स्टेरेडियन आर 4π स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन की तादाद स्फीयर में 4π स्टेरेडियन होती है, जबकि रेडियन की तादाद 2π रेडियन होती है, राइट। ऐसे यूनिट है, इससे पहले देख लें, 3 सिस्टम पहले राइज थे। एक का नाम था MKS सिस्टम, एक था CGS सिस्टम, और एक होता है FPS सिस्टम। MKS से मुराद है मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसमें डिस्टेंस मीटर हो, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड, उसे MKS सिस्टम कहते हैं। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और ये फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। जबकि ये सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, इसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड, इसमें फुट पाउंड सेकंड। इसमें पहला डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, डिस्टेंस मास और टाइम। इसमें डिस्टेंस की बजाय डिस्टेंस तो फुट ही है, मास की बजाय फोर्स है। पाउंड जो है ये मास का यूनिट नहीं होता, फोर्स का यूनिट है, और इसमें जो मास का यूनिट होता है FPS सिस्टम में, वो स्लग है, और 1 स्लग इक्वल होता है 14.6 किलोग्राम। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, यहाँ फोर्स का यूनिट डाइन्स होता है, वहाँ फोर्स का यूनिट पाउंड है। इसी तरह यहाँ एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, यहाँ एनर्जी का यूनिट अर्ग होता है। एक न्यूटन बराबर है 10^5 डाइन के बराबर है, 1 जाउल 10^7 अर्ग होता है। तो इनके आपस में कन्वर्शन भी है, किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कहा जाए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 12 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 12 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड इट्स वैल्यू इन पास्कल। इसकी वैल्यू पास्कल में बताइए। पास्कल अब ऐसा यूनिट है, MKS सिस्टम है, तो इसको आपको MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 12 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब है, जाउल और अर्ग में क्या ताल्लुक होता है, 1 जाउल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10^-7 जाउल। सो 10^-7 जाउल में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर 10^2 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10^-2 मीटर। तो नीचे पुट कर लें, 10^-2^3, दैट इज 12, 10^-7, 10^+6, ये जाउल पर मीटर क्यूब आ गया। सो 12
10 पावर माइनस 1 जाउल पर मीटर क्यूब, दैट इज 1.2 जाउल पर मीटर क्यूब पास्कल होता है. सो एनर्जी डेंसिटी इज 1.2 पास्कल. आप कहते होंगे प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल कहते हैं. जाउल पर मीटर क्यूब क्या होगा? जाउल पर मीटर क्यूब, जाउल होता है न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है. तो जाउल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब देखते हैं ऐसे यूनिट क्या है. ऐसे यूनिट 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी जिन्होंने बेस यूनिट की फिक्स डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि ये डेफिनेशन है बेस यूनिट्स की. ये तीन डिफरेंट यूनिट्स को मिक्स करके बनाया गया. कौन कौन से थे? बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट. दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट. इन्हें मिक्स करके ये बनाया गया. इनको लिखने के, यूनिट को लिखने का कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ तरीकाकार है. पहला तरीका ये है कि अगर आप किसी यूनिट का फुल नेम लिख रहे हैं, जैसे न्यूटन है, जाउल है, तो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, चाहे वो साइंटिस्ट के नेम पर ही क्यों नहीं. अगर न्यूटन लिखना है तो ऐसे लिखना ठीक नहीं है. कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर. लेकिन अगर सिंबल लिख रहे हैं तो अगर साइंटिस्ट के नेम पर है मीटर को लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है. अगर सिंबल लिखना है तो सिंबल न्यूटन का एन है, साइंटिस्ट के नेम पर है तो कैपिटल लिख दें, साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो फिर स्मॉल लेटर लिखेंगे. न्यूटन लिखना हो तो कैपिटल, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है. अगर साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तो स्मॉल लेटर लिखते हैं. इसके अलावा प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस. प्रीफिक्स को आप लिखेंगे यूनिट से पहले बगैर स्पेस के, जैसे 1 10 पावर या 6 10 पावर माइनस 6 फैराड है. इसे कैसे लिखेंगे? 6 माइक्रो फैराड. तो यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी. प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस. इसके अलावा अगर कंपाउंड यूनिट आ जाए, आर रिटन विद वन स्पेस. कंपाउंड यूनिट जिसमें यूनिट प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, जैसे न्यूटन मीटर है, तो इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं है, बल्कि इसकी बजाय इसमें वन स्पेस देंगे, एक स्पेस इनके दरमियान होने चाहिए, तो ये ठीक होगा. इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हैं तो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स को आप सेम टाइम नहीं लिख सकते. कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड. अगर यूं आ जाए 5 माइक्रो माइक्रो फैराड, तो
ऐसे लिखना ठीक नहीं है, बल्कि हम लिखेंगे 5 पिको फैराड। ये 10^-6, 10^-6, 10^-12 पिको बनाते हैं। तो एक ही प्रीफिक्स लिखना होता है, बार बार प्रीफिक्स नहीं लिखते। इसी तरह अगर बेस यूनिट का स्क्वायर हो जाए, मसलन 5 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर सिर्फ बेस यूनिट का नहीं होता, पूरे प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होता है। इसे लिखेंगे 5 किलोमीटर सारे का स्क्वायर। गोया ये 5 × 10^6 मीटर स्क्वायर हो गया। किलो 10^3 होता है, 10^3 का स्क्वायर करें 10^6 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बेशक आप अगर माइक्रोमीटर से कर रहे हैं, स्क्रू गेज से कर रहे हैं, तो यूनिट आप मिलीमीटर में लेंगे। वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं सेंटीमीटर में, कैलोरीमीटर से कर रहे हैं ग्राम में लेते हैं, मगर जब भी आप फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो उसको वापस ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, किलोग्राम में, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स कौन से हैं? कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स हैं, 10^-18, 10^-15, 10^-12, 10^-9, 10^-6, -3, -2, -1। इसी तरह 10 है, 10^+3 है, 10^+6 है, 10^+9 है। -18 को ऑटो कहेंगे, इनको स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, और -15 फेमटो है, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, माइक्रो, मिली, मिली को एम से शो करेंगे, माइक्रो को यू शो करेंगे। 10^-2 डेसी, सेंटी सॉरी, एंड डेसी। जो 10^+1 है ये डेका, किलो, ऐसे 10^2 भी होता है जिसे हेक्टो कहते हैं। अगर ये 10^1 है डेका, 10^2 हो तो हेक्टो, 10^3 किलो, 10^6 मेगा, इन्हें कैपिटल एम से शो करेंगे, कैपिटल के है। 10^9 गीगा, 10^12 टेरा, 10^15 पीटा, कैपिटल पी, एंड 10^18 एक्सा। तो इनके सिंबल और वैल्यूज आपको आने चाहिए। अक्सर क्वेश्चन आता है, इनकी रेशियो पूछी जाती है, आसन रेशियो ऑफ पीको टू किलो कौन सा प्रीफिक्स होगा। पीको का मतलब है 10^-12 और किलो 10^+3 है, ये ऊपर चला गया, 10^-15 हो गया, -15 क्या है, फेमटो। तो यूँ किसी भी दो प्रीफिक्स की रेशियो एक थर्ड प्रीफिक्स में पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट द सेम यूनिट्स, इनमें से किसके यूनिट्स सेम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग
set has not same unit. A है relative density, B है relative velocity, एक और है relative permittivity. इसका बी ऑप्शन है एल ओवर आर एल सी अंडर रूट आर सी. सी है रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड ऑप्टिकल पावर डी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ये भी ठीक है. रेडबर्ग कांस्टेंट, रिजॉल्विंग पावर या ऑप्टिकल पावर, इसका यूनिट पर मीटर होता है, ये भी सही है. इनके भी यूनिट सेम है. एल ओवर आर इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इन तमाम का यूनिट भी सेकेंड है. इनका यूनिट सेकेंड है, उल्टा दें तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. अलबत्ता इसमें रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट भी नहीं होता, मगर रिलेटिव वेलोसिटी, ये डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है. लिहाजा इनमें ये ऑप्शन सही होगा कि इनका यूनिट सबका सेम नहीं है, बाकी सबका यूनिट सेम है. ऐसे ही If a body of mass 2 kilogram moving around a circle of radius 50 centimeter with 1.5 meter per second, इसकी लीनियर स्पीड है 1.5 meter per second, what angle would it cover in 2 second? What angle would it cover it cover in 2 second? 2 second में कितना angle बनाएगी? इसे कैसे solve करें? इसे solve करने के लिए आपके पास equation है s बराबर r theta, और हमें भी पता है s is equal to vt, तो s is equal to vt लिख दें आर थीटा. आपको एंगल की वैल्यू चाहिए वी टी डिवाइडेड बाई आर. वेलोसिटी गिवन है 1.5, टाइम 2 सेकंड है, और रेडियस ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, दैट इज 6 रेडियन. एक इंटरेस्टिंग है, z इज इक्वल टू टी 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2k. फाइंड यूनिट ऑफ, व्हाट आर यूनिट ऑफ z एंड k, z और k के यूनिट क्या होंगे?
अब इसका तरीका ये होता है, जी को अंदर जी इज इक्वल टू टी माइनस 3xt डिवाइडेड बाय 2k। अब जो लेफ्ट साइड पे टर्म होती है वो हर एक के बराबर होती है, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा, इसका यूनिट भी सेम होगा, तो सेम यूनिट की चीज़ें आपस में प्लस या माइनस होती हैं। गया z का यूनिट तो वही टाइम होगा सेकेंड, ठीक, तो z का यूनिट क्या बन गया सेकेंड। अब k का यूनिट चाहिए, इन्हें भी आपस में इक्वल कर लें, 3xt बाय 2k बराबर c। k का यूनिट क्या होगा, k इज इक्वल टू k ऊपर चला गया 3xt डिवाइडेड बाय 2c। चूंकि z सेकेंड है, टाइम है, 3x मल्टीप्लाई सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो यूनिट इसमें कौन सा है, मीटर है, तो k का यूनिट वही x वाला यूनिट मीटर ही आएगा। ऐसा ही एक और है, फोर्स बराबर है ए प्लस बी टी प्लस सी टी माइनस 2। व्हाट अ यूनिट ऑफ ए बी सी, ए बी सी के यूनिट क्या होंगे, तो क्या करना होता है, हर टर्म को जो लेफ्ट साइड में इक्वेशन है उसके बराबर पुट कर लें। तो ए बराबर फोर्स, बी टी बराबर फोर्स एंड सी टी माइनस 2, ये भी फोर्स के बराबर है। तो यहाँ से ए का यूनिट तो वही फोर्स वाला न्यूटन ही आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या बनेगी, फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो न्यूटन ये बी टी माइनस 1 है। अगर बी टी माइनस 1 हो तो बी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय टी माइनस 1, ये ऊपर जाकर टी बन गया, और फोर्स मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड क्या होता है, मोमेंटम। तो बी का यूनिट मोमेंटम वाला है, टाइम टी माइनस 1 नीचे आ गया, माइनस 1 ऊपर जाके प्लस हो गया, न्यूटन सेकंड मोमेंटम है। इसी तरह अगर सी का यूनिट देखना हो तो फोर्स डिवाइडेड बाई टी माइनस 2, एफ टी प्लस 2, तो ये न्यूटन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ आप इक्वेशन किसी का भी यूनिट मालूम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, इनमें से कौन सा यूनिटलेस है, फर्स्ट है थीटा, बी है साइन थीटा, सी है परमीबिलिटी और डी है बोथ ए एंड सी, इनमें से कौन सा यूनिटलेस है। थीटा वाहिद यूनिट है जिसका यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है, चाहे वो रेडियन है स्टे रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन, म्यू नॉट का यूनिट भी होता है। जबकि साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, साइन थीटा क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये दो लेंथ की रेशियो होती है, जब भी एंगल साइन या कॉस में आ जाता है तो ये लेंथ की रेशियो बन जाता है, सो इट हैज़ नो यूनिट, सो साइन थीटा हैज़ नो यूनिट। चलिए इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी तो स्टार्ट है, कल से हम इसको मज़ीद देखेंगे। थैंक यू।